पहुंच गए यहाँ पे घर पे, वैसे ही बोर उड़ते हैं। हेलो, मैं तो घर पे बोर हो रहा था तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अब, और उन्होंने बुलाया भी था तो थोड़ा चिल करते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं काम कर रही हूँ ऑफिस का। और घर में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हो दोनों? छे यार तुम भी बोरिंग ही हो एकदम। और करण भाई क्या कर रहे हो? अरे वर्मा ब्रो व्हाट्स अप। ये वही वाली टी शर्ट है ना हमारी? ये हाँ ये वाली फेक, जिसमें भाभी ने बोला था हम लोग फेक वीडियोस बनाते हैं। वो तो लग रही है यार, क्या बन गया है वैसे? आज बन रहा है समथिंग रियली स्पेशल विच इज लिट्टी चोखा। मेरे को उस दिन बहुत टेस्टी लगा था तो आज मैं घर पे बना रही हूँ लिट्टी। देख रहे हो, मैंने कहा था ना यूपी बिहार की डिश पसंद आएगी आएगी, क्योंकि वो हेल्दी भी है, बहुत अच्छी भी है। लिट्टी चोखा इन द हाउस गाइस, चलना भी लिट्टी चोखा बनाने, भूख भी लग रही है। काम 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 जल्दी बनाओ यार, पेट से खाना पड़ रहा है। हां कितना खुशी खुशी तक खाती है, भूख लग रही है यार। हां सर को डिस्टर्ब मत करो, सर को काम करने दो। हां सर लिट्टी चोखा ला रहे हैं आपके यहां सर। ओके सर को काम करने दो, चलो लिट्टी चोखा बनाएंगे। ये भैया हेलो बोलो भैया। हेलो, आज आप लिट्टी चोखा बनाओगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना पड़ता आता है टाइम पहले। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो। सब सब्सक्राइब कर देंगे। अब बनेगा लिट्टी चोखा। यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है, आटा सत्तू, ये कितने दो तीन ही बना रहे हैं क्या? गार्लिक जिंजर मिर्ची वो तो ऑब्वियस है, ये सत्तू है, ये बटी उबालेंगे सत्तू ना, पहले मसाला बनाओ। बट ये तो बताओ मसाला क्या बनाना बताओ। अरे ये वो सब ठीक है, ये बताओ बन कितने रहे हैं? इससे बहुत ही कम बनेंगे ना। हाँ ये तो मैं कर रही हूँ, कितने बनेंगे? बहुत कम बनेंगे इसमें तो। आप डालो ना तो। मैं करण भैया, मैं आंटी खा लेंगे ना। तीन तीन पीस तो ये सूंघ देती हो तो दांत मटकेंगे तीन पीस। सत्तू तो भरेंगे ना अंदर उसके? अरे तो सत्तू नहीं भरेंगे। अच्छा वो तो खाली वो गोले बना देंगे ना। तो खाएगी कैसे? हाथ से। अरे तो राजस्थान में बाटी बनती है ना, तो हमें राजस्थानी नहीं खाना ना, मैं लिट्टी चोखा खा तो तेरे को खिला दूंगी मैं रूम। हम लोग सामान बढ़ा रहे हैं, मटेरियल्स बढ़ा रहे हैं हम। ये सत्तू कम पड़ेगा क्योंकि हमें इन लोगों को आइडिया नहीं था ना, भैया को आइडिया था कि भैया प्रॉपर वहीं से है तो भैया ने कम पड़ेगा। जब तक भैया सामान लाते हैं हम लोग एक नई डिश बना रहे हैं मैंगो की, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी है। उसके लिए आपको हमारे शॉर्ट्स चेक करने पड़ेंगे, हमारे पेज में शॉर्ट्स में जाएंगे तो हम मैंगो की एक बहुत प्यारी सी डिश दिखेगी, बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छी है। भैया हमारे सामान ला चुके हैं, एक्स्ट्रा सत्तू और वो आ चुका है, और ये शॉर्ट्स भी बन चुके हैं, बहुत अच्छा बना एंड टेस्ट में मज़ा आया। टेस्ट कैसा था? मस्त। तो आप लोग भी ट्राई करना, शॉर्ट देखो सिंपल है, ट्राई करना। अब ये फटाफट शुरू करते हैं, चलो जल्दी शुरू करो यार। तो आ चुका है बैंगन में, पहले कटिंग करते हैं, इसके अंदर फिल करेंगे। एंड फॉर भैया हमारे प्रॉपर बिहार से ही है, इन्हीं के वहाँ की डिश है तो आज तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बनेगी, है ना भैया? ये देख बैंगन में ऐसे, बैंगन में ऐसे करके मिर्ची घुसेड़नी है, देखो दोस्तों आप लोग ऐसे करके थोड़ी थोड़ी डालना बस थोड़ी इतना। ये एकदम ये तो वाला स्टाइल हो गया, मसाला बनाते हो अजवाइन ये भी वैसी मल ये तो गुटका उटका खाते है सच बता, ऐसे मेड़ मेड़ के ऐसे मिस्त्री लोग खाते हैं ना अभी अभी। ये सब डाल दो। हाँ ओके, फर्स्ट वी आर पुटिंग गार्लिक। भैया आप भी बोल सकते हो, कोई लोड नहीं है, बोलो। गार्लिक डाल रहे हैं, गार्लिक डाला गाइस, मिर्ची डाल रहे हैं, मिर्ची डाली गाइस, अदरक अदरक इतनी सारी सब डाल दूं? अदरक डाली गाइस और प्याज भी, प्याज भी डाली गाइस। वाओ भैया ने जब सब कह दिया तो कितने बार पूछे, कितनी इरिटेटिंग है यार। तू स्कूल में मतलब डम स्टूडेंट होगी ना, सच बता। अचार डाल दो। तू एक चीज बता, तू डम स्टूडेंट थी ना बहुत। केरी के साथ डालो किसे? निकाल दे मसाला मसाला। रिद्धि तू सच बता, तू बहुत डम स्टूडेंट थी ना, सच बोल एक बार। तेरी परसेंटेज कितनी टेंथ में? 72। बिना चीटिंग करे 43। डालेंगे नींबू, मैं अभी से पानी आ चुका है। अभी इसमें क्या डालूं?
बस अपने हाथ की मैल डाल थोड़ी सी तभी आएगा। तो गई ना ऑलरेडी। तूने हाथ धो के करा ना, बिना भैया बिना हाथ धोए करना था ना, मैल जाएगी तभी तो फ्लेवर आएगा। जी बस तूने वो नहीं देखा पानी पूरी वाले जो ऐसे जूता पहनते हैं, पहले ऐसे ऐसे करके खुजाते हैं फिर बनाते हैं, वही टेस्ट होता है पागल। जी सच बता, तेरे को खाना बना, तेरे को खाना बनाना नहीं सिखाया तेरे घरों ने ना? नहीं मैं प्रिंसेस की तरह रही हुई हूँ ना, मेरे घर की चीज़ी है। इसका प्रिंस किसी दिन इसके घर की कंडीशन दिखा देना, इसको कैसा करते हैं आप, हंसने लग जाओगे। ये प्रिंसेस की तरह रहेगी। फट कुकर में सारा डालना है देखो मसाले के लिए। इनसे काम नहीं हो पाया मोहतरमा से प्रिंसेस। अरे नहीं एक्चुअली ऑफ कोर्स उनको आता है तो उनका स्पीड अलग होगा। अरे 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 बोलना पहली बार आई थी किचन में। अबे भैया फटाफट बनाएंगे, इसको उबाल लेंगे, इसको गैस में डाल के उबालना है और इसको गूंदना है, गूंद के ये भरेंगे और इसको भी आग में सेक देंगे और वो मसाले गैस में आग ही जलती है ना शायद से। अरे 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 ओहो ये साबुत डालने का बिना काटे सब पसंद गूंदने का ऐसा और फिर इसमें सत्तू भरने का ऐसे। ये होता है लिट्टी, इसको लिट्टी बोलते हैं ना, और जो ये बन रहा है ये चोखा ये लिट्टी, समझ गए दोस्तों। इसके अंदर कोयला जला जला के डाल दूं? ये आ चुका है बारबेक्यू गाइस, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन? रोटी सेकेंगे। बट कोयला तो है नहीं। कोयला हमारे पास है ना, देखते हैं। इससे तो हम नहीं करेंगे, इसको कोयले में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग सीधे गैस के ऊपर रख दे रहे हैं तो ये बन जाएगा। ये लिट्टी चढ़ चुकी है गाइस, ये देखो हो रही है मस्त, हाथ जलेगा। दो टाइप के होते हैं, एक ये और एक कौन सा होता है भैया, तेल में बना देना, तेल वाले भी बना सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं बाकी के तेल वाले बना दें क्या? चल गई है। क्या ये लिट्टी है? क्या ये लिट्टी है? ये लिट्टी, इसको लिट्टी बोलते हैं, इसको छोका बोलते हैं। ये लिट्टी है, इसको फेरन लवली लगाओ, इन्होंने इस पर डाली लिट्टी। फेरन लवली लगा के देखे लिट्टी आया, यहाँ बन रही लिट्टी। बढ़िया था, बाहर ही खा पी के आओ वो ही सही है ना। हाँ, तेरे को ही था क्या? घर पे लगा था, घर पे बनाएंगे, फन होगा, मजा आएगी, फन तो हुआ नहीं। ये देखो चोखे के लिए प्याज उबलने का कितने अच्छे हो गए। हो यहाँ पे हमने बाकी चीज़ें कर ली हैं, अभी टमाटर आलू प्याज अभी बैंगन डालेंगे और यहाँ पे बन रहे हमारे लिट्टी। ये देखो पता नहीं कैसे बनेंगे इसमें, ये देखो मैं ऐसे करते हैं चोखे के लिए, सबको ऐसे करने का बन गया गाइस, नहीं चोखा बन गया। और ये लिट्टी बनेगा आपको क्या लगता है? बन जाएगा आज ही बनेगा, आज ही बनेगा। अब चकते हैं कैसा है। एकदम बढ़िया। ओहो मिर्च भी एकदम बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है। तो अब ये कब बनेगा? 8 days later। वो तो शुरू भी नहीं हुए हैं सीखने, रखते तो जल्दी हो जाएगा, मानो थोड़ी शॉर्ट। 10 दिन हो गए दोस्तों, 10 दिन बाद भी ऐसा ही है। 10 दिन हो चुके हैं अभी तक, ये 10 दिन से देखो भैया की दाढ़ी भी बढ़ गई, क्लीन शेव आए थे भैया, दाढ़ी बढ़ चुकी है। 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक ऐसे ही है। और बुढ़ा हो चुका है मैं, वो मैं तो और स्मार्ट होते जा रहा हूं यार। कितना टाइम लगेगा गाइस? मेरे को तो लग रहा नहीं पका है, बट ये पक गया है। ये ब्राउन ये अजीब से हो गए, ये बन जैसे हो गए। ये लिट्टी तो लग नहीं रहे, बन लग रहे हैं। ऐसी होती है लिट्टी, बन ये बन जैसी दिख रही है, मॉडर्न लिट्टी दिख रही है। लिट्टी का इंतजार है, लिट्टी निकाल दे, आप तो निकाल दे यार। हाँ भैया चिंगीज खाएंगे, ये मजा। ये खुद यूपी बिहार के होके भैया लिट्टी चोखा नहीं, चिंगीज खाएंगे, चाइनीज देख रहे, चाइनीज खाएंगे, चाइनीज। ओहो कॉन्टिनेंटल चाइनीज। चल चल तू निकाल दो। 2000 years later। लिट्टी बाहर आ गई। ठश पूरा फोड़ दिया इसने। ऐसे ही होता है ना। मुंह पे पानी आ चुका है, आप ऐसे जिसके मुंह पे पानी आ रहा है
आप भी घर पे ट्राई करो लिट्टी चोखा, और हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज दे दो यार, व्यूज दे दो। देखो लिट्टी चोखा बढ़िया बढ़िया, जैसा हमने वहां खाया था वैसे ही है, उससे ज्यादा हाइजीनिक है। ट्राई करते हैं कैसा है, मैं बताऊंगा आपको। कुरकुरा एकदम मस्त हो रहा है ना गाइस, जेन्युइनली बहुत अच्छा बनाया है, मजा ही आ गया। ग्रीन चटनी ले लेना फिर मैं। चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यो बाय गाइस, वेरी नाइस, मस्ट ट्राई।